यस सो टुडे इज 22nd ऑफ अप्रैल. आज तो एक वीडियो बनता ही बनता है बिकॉज टुडे वी सेलिब्रेट द इंटरनेशनल मदर अर्थ डे. दिस वीडियो विल नॉट बी द यूजुअल वीडियो. ये आपका एक वीडियो है जिसमें वील बी डिस्कसिंग समथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर क्लाइमेट चेंज एज वेल एज जो आपके एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स के तरीके से आपसे पूछा जा सकता है. राइट सो यू Every one of you must be knowing today the theme of the Earth's Day that we are celebrating today is restoring our planet Earth. हम कैसे Earth को restore कर सकते हैं? Seeing the current scenario, seeing the current situation, and as if you know that we have been focusing on sustainable development. SDG आपका भी syllabus का एक part है environment में. So sustainable development को मद्देनजर रखते हुए हम कैसे अपनी mother earth को restore कर सकते हैं, right? So today it's special for another reason. Today we celebrate this Mother's Day, Mother Earth Day. It's the 51st celebration. पहली बार ये हमने मनाना शुरू किया था, यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था 2009 में. अर्थ डे सेलिब्रेट करना, इट वाज वे बैक इन 1969. तो 1969 में एक ऑयल स्पिल हुआ था. ऑयल स्पिल आप समझते हैं, इट्स द शिप्स, द बिग कैरियर्स दैट गो ओवर द ओशन, कई बार उनसे ऑयल लीक हो जाते हैं. हाल ही में रशिया में भी हुआ था, हाल ही में मॉरिशस में भी हुआ था. सो आफ्टर दैट ऑयल स्पिल वी kind of realize the importance of Mother Earth and the environment. Hence, we started celebrating and officially it was declared in 2009. ये बात तो हो गई Earth Day का पूरा इतिहास की. But इसके अलावा आज क्या खास है? आज भी बहुत important चीज़ है. इसी उपलक्ष्य में आपको पता होगा दो important events हो रहे हैं. अभी currently आज और कल यानी कि 22 और 23 US में एक बहुत बड़ी climate summit चल रही है. It is actually where Joe Biden has invited 40 world leaders. क्यों 40 वर्ल्ड लीडर्स को इनवाइट किया है? इट्स काइंड ऑफ अ लीडर्स क्लाइमेट समिट जिसमें लीडर्स को इनवाइट करके क्लाइमेट चेंज के बारे में जागरूकता फैलाएंगे. अनदर क्वेश्चन जो यूजीसी में आपसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं आर रिगार्डिंग योर टॉप एमिटर्स. कार्बन डाइऑक्साइड के टॉप एमिटर्स कौन कौन से हैं? सो पांच टॉप एमिटर्स हैं जो आपको याद होने चाहिए. उनको आप याद कैसे करेंगे? फर्स्ट क्या है? बेसिकली इट्स चाइना, राइट? सो चाइना, यूएसए, India. Then you have Russia and Japan. So ये जो top 5 countries हैं यही सबसे ज़्यादा emit करती हैं carbon dioxide, right? So CUIRJ ऐसे करके आप 5 countries का नाम याद रख सकते हैं. Another thing, so इसमें even our Prime Minister Narendra Modi ji has committed Paris Climate Summit के तहत. आपको पता है Paris Climate Summit कब हुआ था? 2015 में. उसके कॉन्सिक्वेंट कॉन्फ्रेंसेस जो भी होते हैं COP 26 इस साल होने वाला है. सो दिस पर्टिकुलर लीडर्स क्लाइमेट समिट इज सेट टू बी अ प्रीकर्सर आप समझते हैं उस बड़ी समिट से पहले ये लीडर्स मिलके थोड़ा सा बेस सेट कर रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा. COP 25 पिछली बार हो चुका है स्पेन में, मड्रिड में. ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जामिनेशन, नॉट इवन यूजीसी, ट्रस्ट मी, इनफैक्ट इफ यू आर अपेयरिंग फॉर एनी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन दे कैन आस्क यू. सो COP 25 हो चुका है, COP 26 अभी होने वाला है. Another important thing that is actually in news today is Race to Zero campaign. Race to Zero क्या है? भाग रहे हैं जीरो के लिए. जीरो क्या है? नेट जीरो एमिशन. सारे देश, ऑल द कंट्रीज, द मेजर एमिटर्स एज वेल एज द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने प्लेज किया है. इंडिया अभी नहीं आया है इस प्लेज में. बाकी देशों ने प्लेज किया है कि हम क्या करेंगे, अपना नेट कार्बन एमिशन को जीरो करेंगे. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि हम कार्बन एमिट करना बंद कर देंगे. हाँ जी, कार्बन एमिशन रहेगा बट वो नेट जीरो रहेगा. मतलब जितना आप एमिट कर रहे हो उतना आप एफॉरेस्टेशन करो, उतनी आप टेक्नोलॉजी डेवलप करो कि पूरा कार्बन जो है एब्जॉर्ब हो जाए. भूटान इज अ क्लासिक एग्जांपल. भूटान का बहुत ज़्यादा एग्जांपल दिया जाता है. वो जितना उत्सर्जन करता है कार्बन डाइऑक्साइड का उतना ही फॉरेस्ट कवर से कार्बन सिंक के माध्यम से पूरा सोख लेता है. सो ये नेट जीरो, रेस टू जीरो कैंपेन इज ऑल्सो अनदर इनिशिएटिव ऑफ UNFCC, United Nation Framework Convention on Climate Change. आप जानते हैं ये बहुत important event है 1992 Rio Earth Summit के बाद.
बहुत ज़्यादा हो गया ना, बट येस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये वीडियो सिर्फ मैंने इसलिए बनाया है, नॉट ओनली जस्ट टू ऑब्वियसली विश यू अर्थ डे, बिकॉज दिस अर्थ डे टुडे द इवेंट्स दैट आर हैपनिंग और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं जब भी एग्जाम होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जब भी आप जो भी एग्जाम देने वाले हैं. सो डू रिमेंबर रेस टू जीरो, डू रिमेंबर क्लाइमेट समिट ऑफ द वर्ल्ड्स लीडर दैट इज हैपनिंग राइट नाउ इन द यूएसए, एज वेल एज यू शुड बी नोइंग कॉप 26, कॉप 25 एंड यूएनएफसीसी, राइट. सो हम सब भी आज प्लेज कर सकते हैं, क्योंकि सीइंग द करंट सिनेरियो वी ऑल हैव बीन थ्रू, एंड जो नहीं भी हैं इस कोविड से दे आर नॉट गोइंग थ्रू, दे आर सीइंग द करंट सिचुएशन. सो अभी भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है क्या कि वी शुड बी ट्राइंग टू बी सस्टेनेबल एंड मिनिमल लिविंग, मतलब हमें अब अपना कोशिश करनी चाहिए हम कम चीजों में कम रिसोर्सेज में कैसे अपना गुजारा करना सीख सकते हैं आगे आने वाले टाइम में, बिकॉज सस्टेनेबिलिटी इज वॉट फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज को बचा के रखना है ना. सो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, इसको आप करंट अफेयर्स की तरह ले सकते हैं, बट प्लीज़ मेक श्योर टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आपके एग्जामिनेशन में. इसी के साथ कल फ्राइडे है, कल हम फिर मिलने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस के साथ, क्लासिक इंडियन लॉजिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन मी शार्प एट 12 ऑन यूट्यूब एज वेल एज ग्रेटअप ऐप, राइट. सो दिस इज मी साइनिंग ऑफ एंड डू लाइक एंड डू शेयर द सेशंस ऑलवेज, प्लीज अटेंड करिएगा भारी मात्रा में, एंड वी आर देयर टू हेल्प यू आउट टिल योर एग्जामिनेशन. सो सी यू सून टुमारो एट 12, बाय बाय.